नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज लेटेस्ट अपडेट आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं। HP DLED CET 2024 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके बारे में हम आपको आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताने वाले हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किस दिन होगा और कौन से मंथ में होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये ऑफिशियली अपडेट है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से। तो यहाँ पे जो 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्तर 2024 से 2026 रहने वाला है, तो उसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 में होगा। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको प्रोस्पेक्टस में दी गई हैं, और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेंट जो शेड्यूल जारी किया हुआ है, तो आपका जो प्रेस नोट जो जारी होना है वो हो चुका है 20 अप्रैल 2024 को, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भरने शुरू हो चुके हैं 20 अप्रैल 2024 से, और लास्ट डेट जो रहेगी ट्राइबल और नॉन ट्राइबल एरियाज़ के लिए वो 10 मई 2024 रहने वाली है। और अगर आप लेट फीस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी। वो कितनी देनी पड़ेगी आपको बताएंगे इस वीडियो में। और वो जो आप भर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म लेट फीस के साथ, वो 11 मई से लेकर 13 मई के बीच में आप भर सकते हो, यानी कि 11 मई से लेकर 13 मई तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो लेट फीस के साथ। और इसमें जो सभी फील्ड्स में एक्सपेक्ट जो कैटेगरी सब कैटेगरी रहेगा वो, उसकी अगर आपको करेक्शन करनी है तो आपको जो है यहाँ पे डेट दी गई है 14 मई 2024 से लेकर 16 मई 2024 तक आप करेक्शन कर सकते हो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो रहने वाली है बात यहाँ पे रहेगी कि एग्जामिनेशन डेट जो है इन्होंने दी हुई है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, वो रहेगी 8 जून 2024। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है। इसके माध्यम से जो है जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इससे आपको पता लगेगा कि आपके लिए कितने दिन जो है तैयारी के लिए रह चुके हैं। तो 8 जून 2024 जो है वो एग्ज़ाम होगा इसका, एंट्रेंस का। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे फीस के बारे में। तो जनरल सब कैटेगरी के लिए फीस 600 रुपये लगेगी, और SC ST OBC PHH EWS के लिए आपको 400 रुपये फीस देनी पड़ेगी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएंगे और ऑनलाइन ही पेमेंट सबमिट होगी आपकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से। और लेट फीस जो लगेगी लेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो 300 रुपया लगेगी। और जो करेक्शन के रिलेटेड जो प्रोस्पेक्टस में इन्होंने जानकारी दी हुई है तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। और अगर आपको कोई क्वारी है तो आप इस नंबर पर जो है कॉल करके पता कर सकते हो, 01892 242192। तो ये लेट